विश्व की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा, हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 6263311424। खरगोन और सिंधवा में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कलेक्टर को दिया ज्ञापन, कहा घटना को अंजाम देने वाले जिहादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। खंडवा में हिंदू संगठन द्वारा आज कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें विगत दिनों 10 अप्रैल को खरगोन में रामनवमी के पावन पर्व पर जिला खरगोन एवं सिंधवा में हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ जिहादियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए पथराव, आगजनी, लूटपाट तथा स्त्रियों को अपमानित किया गया जिसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन से निरंतर निगरानी की जाए, इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिनों जिला खरगोन एवं सिंधवा के रहवासियों के द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें हिंदू समाज के लोगों के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर जिहादियों के द्वारा उनके घरों की छत से पत्थर फेंके गए और गोलियां भी चलाई थी जिससे शोभा यात्रा में शामिल कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। जिहादियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से मात्र पत्थरबाजी ही नहीं की गई अपितु हिंदू परिवारों की दुकानों और मकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया जिससे काफी अफरा तफरी का माहौल बना जिसका अवैधानिक फायदा उठाते हुए मुस्लिम वर्ग के उत्पातियों ने हिंदू महिलाओं के साथ भी गलत हरकतें की है जिसके विरुद्ध पुलिस प्रशासन के द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करने के कारण मुस्लिम वर्ग के उत्पातियों का हौसला और बढ़ गया और खरगोन तथा सिंधवा में इतनी बड़ी घटना हिंदू समाज साथ हुई है। खरगोन एवं सिंधवा में मुस्लिम समुदाय के उत्पातियों के द्वारा किए गए सुनियोजित कार्य की कोई भी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं होना ही संदेह का विषय है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर मुस्लिम समुदाय के घरों से पत्थरबाजी होना और पत्थरों को घरों की छत पर इकट्ठा करने की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचने के कारण ही कई जगह दंगाइयों ने अत्यधिक उत्पात मचाया और हिंदू परिवारों के घरों में लूटपाट की गई। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनके द्वारा एसपी को मारने के इरादे से गोली चलाई गई। पुलिस प्रशासन को शोभा यात्रा के पूर्व में ही तथा शोभा यात्रा निकलने के दौरान ड्रोन से नजर रखना थी परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा भी कोई कदम नहीं उठाया गया जब मुस्लिम जिहादियों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था और हिंदू समाज के लोगों के घरों में घुसकर बहन बेटियों के साथ भी गलत हरकत की गई तथा बलात्कार का प्रयास किया गया और घरों में गाड़ियों में आगजनी की गई है। हिंदू समाज के द्वारा रामनवमी के अवसर पर खरगोन और सिंधवा में निकाली गई शोभा यात्रा पर मुस्लिम वर्ग के जिहादियों के द्वारा किए गए उपरोक्त आपराधिक कृत्य के लिए सभी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की कृपा होवे साथ ही इन प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे तथा मुस्लिम बहुल इलाकों के घरों की छतों की निगरानी ड्रोन एवं पुलिस अधिकारियों से करवाई जाए तथा मुस्लिम बहुल इलाके के कबाड़ियों वेल्डिंग कारखानों जैसे व्यवसाय करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जावे तथा ऐसे समाज और देश के दुश्मनों और मुस्लिम उत्पातियों को रोकने के संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही की जावे। खरगोन और सेंधवा में योजनाबद्ध तरीके से अजान को बहाना बनाकर, मतलब एक आस्था को बहाना बनाकर दूसरी आस्था को चोट पहुँचाना, मतलब कुल मिला के ये जो तैयारी चल रही है ये हर शहर हर जिले को मैं एक पाकिस्तान बनाने की इनकी जिहादियों की तैयारी चल रही है। उस अजान को बहाना बनाकर जो इन्होंने पथराव किया, शासन प्रशासन ने उस अजान को ही तत्काल प्रभाव से लाउडस्पीकर से बंद करवाना चाहिए। और पहला विषय ये आता है
कि जब भी हिंदू समाज का धार्मिक त्योहार आता है तो उसमें 2-3 घंटे की वो अजान से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाती है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि उस समय होने वाली उस क्षेत्र की मस्जिद की अजान को ही क्या एक दिन बंद नहीं कर सकते? आप अगर बड़े उदारवादी हो, आप में अगर भाईचारा है, तो आपने ये करना चाहिए कि उस दिन उस समय आधे घंटे की 10 मिनट की होने वाली उस अजान को बंद किया जाए और समाज में होने वाले त्योहार को धूमधाम से मनाया जाए, ना कि उस अजान के बहाने दंगा किया जाए। उस अजान के बहाने दंगा किया गया और उस दंगे के पक्ष में यहाँ पर भी बड़े सोचने वाला विषय है कि कुछ प्रवृत्तिजीवी बनने वाले लोग दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े हो गए, उन लोगों के पक्ष में जिन्होंने माता बहनों की इज्जत लूटने का आह्वान किया, उन लोगों के पक्ष में जिनने हिंदू समाज के घर जलाए, उन लोगों के पक्ष में जिनने लूटपाट की, कितने बेशर्म है वो लोग जो आकर खड़े हो गए। और भाई उनको सपने में भी हर जगह खंडवा नजर आता है। उनका तो कहना था कि खरगोन में जो दंगे भड़का है उसमें खरगोन और दिल्ली के लोग थे। अरे सपने में भी तुमको अगर खंडवा आता है तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जहाँ खंडवा होगा वहाँ किसी दंगाई की ताकत नहीं कि दंगा करके दिखा दे। वहाँ खंडवा की अगर उपस्थिति होती तो वहाँ दंगा ना होता। उल जलूल आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाना ये बंद करें। और शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार के दंगाइयों के साथ जो जो प्रदेश में उनके साथ में खड़ा होने वाला, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई सा भी सिंह हो, उन लोगों पर भी जगह जगह FIR हो, उन पे कार्रवाई हो और दंगाइयों के उनके संबंध को जांचा जाए और उस प्रकार की कार्रवाई उन पे भी की जाए। इस सारे विषय को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। भारत माता की जय। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, FIR भी हुई, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? गिरफ्तारी होना चाहिए दिग्विजय सिंह की, ऐसे अन्य दिग्विजय पैदा नहीं हो। खंडवा में भी जो लोग दंगाइयों के पक्ष में आए उन पे भी FIR होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। क्यों दंगाइयों के पक्ष में आ रहे हैं? हम लोग तो कभी दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े नहीं हुए भाई। नामजद FIR है ना, आप दंगाइयों के पक्ष में आके खड़े रहो और उसके सारे प्रमाण है कि उन्होंने दंगे किए हैं। एक घर में तो बताते हैं कि सन 1992 से आज तक में 4 बार वो घर जला है खरगोन का। मतलब आपके पड़ोस में जो हिंदू का घर होगा आप उसको जला दोगे? तो हिंदू क्यों नहीं जलाता अपने पड़ोस में रहने वाले अब्बा जान का घर? वो क्यों उसको अपना चाचा मानता है? लेकिन तुम उसे अपना नहीं मानते, तुम मौके की ताक देखते हो कि कब इस प्रकार का न्यूसेंस खड़ा हो, कब हम अजान का बहाना लें और हिंदू को अपने क्षेत्र से अपने मोहल्ले से पलायन करने पर मजबूर हो। ये सब बंद होना चाहिए। और मैं तो हिंदू समाज को बोल रहा हूँ कि उठो जागो। और पुलिस तो बाद में आएगी, अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो क्या करेंगे? उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया प्रतिकार करने के लिए, मारने के लिए नहीं, तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हमारी तैयारी होना चाहिए। यह तैयारी भी हम सब लोग शीघ्र से शीघ्र चालू करने जा रहे हैं। खंडवा शहर जो नायब शहर का जी, उन्होंने 80 लोग निर्दोष बताए। निर्दोष बताने वालों से पूछताछ होना चाहिए, क्या उनके कनेक्शन, उनपे FIR दर्ज होना चाहिए कि किन लोगों के पक्ष में जो माता बहनों की इज्जत लूटने का आह्वान कर रहे हैं कि आओ रेप कर लो, जो माता बहनों का शील भंग करने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके लिए खड़े हो रहे हैं। शर्म का विषय है खंडवा का। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि जहाँ खंडवा होगा वहाँ किसी की ताकत नहीं कि दंगा करके दिखा दे। ये चेतावनी नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ की, हमारी जागृति का असर है।